नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठकर आपस में बात करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, इस तरह LOC के दोनों ओर हो रही हताहतों से दोनों देशों को नुकसान हो रहा है, जो बेहद दुखद है। महबूबा मुफ्ती का यह बयान शनिवार को तब आया जब शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें भारत के 5 जवान और 6 आम नागरिकों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाक के 11 सैनिकों को मार गिराए और उनके बंकर और लॉन्च पैड उड़ा दिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के संघर्ष विराम को लेकर बनी सहमति के बारे में सोचना चाहिए। दोनों देशों को ऊपर उठकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, LOC के दोनों ओर हताहतों की बढ़ती संख्या को देखना बेहद दुखद है। भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व को राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठकर संवाद की पहल करनी चाहिए। वाजपेयी जी और मुशर्रफ साहब के बीच संघर्ष विराम पर बनी सहमति और अनुपालन को बहाल किया जाता है तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी। महबूबा मुफ्ती के अलावा हुर्रियत ने भी भारत और पाकिस्तान को बात करने की सलाह दी है। हुर्रियत की ओर से जारी आधिकारिक बयान में मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सीमा पर बनी तनाव की स्थितियों पर दोनों देश, भारत और पाक की सरकार को आपस में बात करनी चाहिए, जिससे दोनों पक्षों के आम नागरिकों और निर्दोष लोगों को कोई नुकसान ना हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।